कोई भी एग्जाम्पल ले लो, स्कूल से लेके कॉलेज तक के बच्चे बहुत पैसा कमा रहे हैं और वो स्टडी के साथ साथ कमा रहे हैं, और अगर आप भी कमाना चाहते हैं जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, सर हम भी कमाना चाहते हैं, प्लीज आप हमें बताइए कि कैसे होगा। और आज से शर्म करना छोड़ दो कि मैं तो पढ़ रहा हूं मैं क्यों कमाऊं, गलत बात। आपको जहां भी मौका मिल रहा है ये सीखने का कि हाउ टू सेल, आप वादा करो कि आप सीखोगे, क्योंकि बेचने की कला हर किसी के पास नहीं होती। जो बेचना जानता है वो जिंदगी में कहीं भी कामयाब हो सकता है, इसलिए ये कला सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, हाउ टू सेल, बेचा कैसे जाता है चीजों को। और एक दिन आप अपने टैलेंट को, अपने काम को बेचोगे, समझ में आ रहा है? यस। और उसी से पैसा अर्न किया जाता है, और ये सच्चाई है, ये कोई बुरा काम नहीं है, हर कोई यही करता है, ठीक है? तो चलो देखो, आज मैं भी तो अपनी बातों को बेचता हूं ना यार, गलत क्या है उसमें? मैं अपनी बातों को, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको बेचता हूं मैं आपके लिए। मैं भी यूट्यूब पे फ्री हूं, लेकिन यूट्यूब के आने के लिए मैं पैसे लेता हूं, समझ में आता है? मेरे शॉर्ट वीडियोस के लिए मैं पैसे लेता हूं, मैं उसे अर्न करता हूं, वो आपके लिए फ्री है, लेकिन मेरे लिए अदर प्लेटफॉर्म से पैसा आता है। आज के टाइम पे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, आज लड़कियों के ज्यादा आपको सोशल मीडिया पे अकाउंट मिल जाएंगे, लड़कियों के ज्यादा आप लोगों को यूट्यूब के चैनल मिल जाएंगे, एकदम फ्री लड़कियां यूट्यूब पे। आपने सेजल कुमार का नाम सुना है? अगर लड़कियों को, जो लड़कियों को ऐसा बोलते हैं बेटा सिक्योरिटी है, बेटा मत करो, आपकी सिक्योरिटी के नाम पर आपको कहा जाता है कि आप डीपी मत लगाओ या अपना नाम मत लिखो, लड़कियों को डराते रहते हैं, तो उनके लिए मैं सेजल कुमार का एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मेरे ख्याल से, मतलब मैंने जितना सुना है, वो जयपुर के कॉलेज से निकली हुई लड़की है, सिंपल। और उसका ये, और ना वो इतनी कॉमन दिखती है, कोई इतनी स्मार्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए, बड़ी कॉमन सी लड़की है। और मैंने इसके टैलेंट को देखा है, और आज इतने बड़े बड़े मल्टी नेशनल ब्रांड्स इसके साथ कोलैबोरेशन करने को तैयार हैं। आप इस लड़की की अर्निंग सुन के आपके हालत खराब हो जाएगी। ऑलमोस्ट पूरे साल भर में ये 4 से 5 करोड़ रुपया इंडिविजुअली कमा लेती है ब्रांड कोलैबोरेशन से। अब आप बताओ, और ये लड़की कितने साल की है और ये कॉलेज से कमा रही है, तो क्यों हम लड़कियों को डराते रहते हैं?